कोई भी ऐसी चीज घर में होती जिससे अल्लाह की नाराजगी हो रही होती तो आप फौरन घर में उसका सद्देबाव और उस पर इनकार और उस पर नकीर फरमाया करते थे। ऐसा इसलिए कि घर खुदा ना खास्ता एक सर की आंखें हो ना, सर की आंखें, और सर की आंखों से अगर आपने घर में आदमी किसी अजदहा को देखे, बिच्छू को देखे, सांप को देखे तो क्या करता है? पलंग में बैठे खाता सोता रहता है, दस्तरखान में बैठे खाना खाते रहता है ना। भाई नुकसानदेह चीज आ गई मेरे घर में, जब तक अपने बच्चे बच्चियों को और अपने घर को इस अजदहा से, इस मूजी चीज से नहीं बचा लेता, उसे ना नींद आती है ना उसे भूख लगती है। अल्लाह ईमान की जिंदगी दे दे तो गुनाह को अजदहे से ज्यादा खतरनाक समझता है, सांप बिच्छू से ज्यादा खतरनाक समझता है। तो एक समझदार आदमी अपने घर में गुनाहों को कहां बर्दाश्त कर सकता है? ऐसा फरमाने लगी, एक मतलब ऐसा हुआ, आप घर में दाखिल हुए तो एक पर्दा लटका हुआ था, मेरी नजर नहीं पड़ी उसमें, मेरी नजर नहीं पड़ी उसमें, किसी जानदार की तस्वीर थी, फूलों की तस्वीर हो कोई बात नहीं, इमारतों की तस्वीर हो कोई बात नहीं, समुद्रों दरियाओं की तस्वीर हो कोई बात नहीं, फूल बूटे हो कोई बात नहीं, जानदार की तस्वीर थी। तो ऐशा फरमाने लगी कि फतलवना वजहू, अल्लाह के नबी का चेहरा का रंग बदल गया, नजराज गुस्से में आ गए और उस कपड़े को लिया और उसे फाड़ दिया, फहाता कहू उसे फाड़ दिया और फिर फरमाने लगे इन्ना मिन अशद अन्नास अज़ाबन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जिन्हें सबसे ज्यादा अजाब होगा वो इन्हीं लोगों का होगा जो इस अंदाज की तस्वीरें बनाते, सबसे सख्त अजाब इन्हीं को, दीवारों पे तस्वीरें, बस औकात कमरा है और वहां जानदार की तस्वीर लटकी हुई है। ये ऐसा गुनाह बेलज्जत है, मजा भी कोई नहीं, लेकिन उस घर में अल्लाह का फरिश्ता भी कोई नहीं आता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह वईद भी है। एक नादान आदमी बस औकात नबी की बातों का मजाक उड़ाने लगा। हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे अच्छा फिर तस्वीर है तो फिर फरिश्ता भी नहीं आएगा, तो मेरी रूह भी कब्ज नहीं होगी, रूह भी कब्ज नहीं होगी, कुत्ता हो हाँ और तस्वीर हो तो फिर फरिश्ता भी नहीं आएगा, रूह भी कब्ज नहीं होगी उस घर में। हजरत फरमाने लगे कुत्ता है ना, फरिश्ता तो आएगा, पहले वही फरिश्ता आएगा जो कुत्ते की रूह कब्ज करेगा वो तेरी भी कर लेगा। तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते और गुनाह बेलज्जत है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घरों में गुनाहों को रहने नहीं देते थे, उस पर नकीर, उस पर उनकी तरबियत, उससे उनकी जेन साजी। अब घरों में बड़ों की तरफ से गुनाहों पे रोक टोक नहीं रहा, नतीजा क्या निकला कि ऐसा ऐसा घरों में छोटों में गुनाहों में वो जरूरत हो रही है कि अगर आप 30-40 साल पहले तो इसका तसव्वुर भी नहीं था, रोक टोक नहीं रही ना। पहले बड़ों का ख्याल होता था, अजमत होती थी, कोई डर होता था नहीं, अब्बा है अम्मा है, चुपके अंधेरे में आउट में कुछ गलती कर भी लेते तो शर्मिंदगी होती थी, और अब तो बड़ों के सामने अम्मा के पहलू में बेटी बैठ कर क्या देख रही है, और अब्बू के बाप के नजर में बेटा टीवी की स्क्रीन पे कैसे नक्शा देख रहा है। इसलिए कि गुनाहों का ये स्लो पॉइजन ऐसा पिला दिया गया कि अब ये गंदगियां गंदगी ना रही, ये जिंदगी का हिस्सा बन गई, जिंदगी का हिस्सा बन गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में इन गुनाहों को नहीं बर्दाश्त करते, और कैसे बर्दाश्त करते? अल्लाह ने कहा है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग गुनाहों का नाम है, गुनाहों का नाम है, इससे उन्हें बचाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज से घर वालों की तरबियत फरमाते थे।